27 सितंबर से खुलेंगे स्कूल, 8000 पद भरने की मंजूरी, जेबीटी सीएनवी के अब 5 साल में होंगे तबादले। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में अहम फैसले लिए गए। प्रदेश में 27 सितंबर से विद्यार्थियों के लिए दोबारा स्कूल खोले जाएंगे। सप्ताह के पहले 3 दिन 10वीं और 12वीं के विद्यार्थी बुलाए जाएंगे और शेष 3 दिनों में 9वीं और 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों की नियमित कक्षाएं लगेंगी। जेबीटी और सीएनवी शिक्षकों को अपने गृह जिलों में तबादले करवाने के लिए अब 5 साल का ही इंतजार करना होगा। इन 5 साल की अवधि में अनुबंध के कार्यकाल को भी गिना जाएगा। पहले इन शिक्षकों को 13 साल की सेवा पूरी करने के बाद ही अपने गृह जिले में तबादले करने का मौका मिलता था। जेबीटी और सीएनवी के हजारों शिक्षकों को इसका लाभ होगा। कैबिनेट बैठक में शिक्षा विभाग में 8000 मल्टी टास्क वर्कर्स की भर्ती करने को भी मंजूरी दी गई। इस भर्ती में 4000 पद मुख्यमंत्री की अनुशंसा पर और शेष 4000 पद आवेदनों के आधार पर एसडीएम की अध्यक्षता वाली कमेटीज के माध्यम से भरे जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में मल्टी टास्क वर्कर की भर्ती के लिए स्कूल से घर की दूरी का सर्टिफिकेट लाना होगा। इसके लिए अभ्यर्थियों को ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत सचिव और शहरी क्षेत्रों में कार्यकारी अधिकारी से प्रमाण पत्र जारी करेंगे। भर्ती में स्कूल से घर की दूरी के हिसाब से 2 से 10 नंबर मिलेंगे। एसडीएम की अध्यक्षता वाली चयन कमेटी नियुक्तियां करेंगी। वर्कर्स को प्रतिमाह 5625 रुपए का वेतन मिलेगा। नियुक्तियां करने से पहले स्कूल और पंचायत के नोटिस बोर्ड पर विज्ञापन लगाए जाएंगे। अभ्यर्थियों को खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी के पास सादे कागज पर आवेदन करना होगा। स्कूल्स को खोलना और बंद करना, परिसर और कक्षाओं में सफाई करना, पीने के पानी का इंतजाम करना और स्कूल के डाक को अन्य विभागों में पहुंचाना इनका काम होगा। भर्ती के लिए स्थानीय स्कूल की ओर से बीईओ को मांग भेजी जाएगी। बीईओ इस मांग को निदेशालय भेजेंगे। निदेशालय से मंजूरी के बाद भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा।